अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिसेस खान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे निज़ामी मटन मसाला ग्रेवी। ये खाने में इतनी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगी कि आपके घर वाले इसे खाएंगे तो ये रेसिपी उनकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए मज़ेदार निज़ामी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम मटन ले लिया है। आप चाहो तो इसे चिकन में या बड़े के गोश्त में भी बना सकते हो। अब इसमें एक कटोरी दही ऐड करेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। सूखे पाउडर मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़ी साइज़ का बिजिस्ता बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से बिजिस्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना रहता है। अब इसे हाथों की मदद से क्रश करके इसे भी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक के कुक होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8-10 काजू, 8-10 बादाम और 3 सूखे खोपरे का बुरादा ले लिया है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए मसाला पीस कर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी तेल ऐड कर लिया है। ये वही तेल है जिसमें मैंने बिजिस्ता बनाया था। तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लें। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें 1 दालचीनी की स्टिक, 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग ऐड कर लेंगे। तेल में जैसे ही मसाले क्रैकल होने लगे उसमें हम सारा मटन ऐड कर लेंगे। और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब हमने जो काजू बादाम और खोपरे का मसाला पीस के रखा था उसे भी ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है। जितना हम मसालों को भूनेंगे उतना ही हमारे गोश्त में अच्छा सालन में अच्छा सा फ्लेवर आता है। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। मसालों में से बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे। अगर आप तीखा खाते हो तो हरी मिर्च ऐड करिए, वरना इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोथमीर कट करके ऐड कर ली है। निज़ामी गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए निज़ामी मटन मसाला ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। आप तंदूरी रोटी या नान से खाए आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।